हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों, साथ ही मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक्सावेटर मशीन के बारे में दोस्तों। जितना भी एक्सावेटर मशीन होता है दोस्तों, उसमें मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें नए हेल्पर नए ऑपरेटर लोग आ रहे हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा बात को मालूम नहीं होता है दोस्तों, तो उसके लिए मैं विशेष वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। साथ ही जो भी पुरान भी ऑपरेटर होता है दोस्तों, तो वो मालूम है दोस्तों कि गलती किसी से भी हो सकता है दोस्तों। तो मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों कि हम लोग को छोटा सा क्या गलती हो सकता है दोस्तों एक सा बेटर मशीन में, जिसमें कि लाखों का नुकसान हो सकता है दोस्तों। इसलिए कि मेरे साथ एक प्रैक्टिकल वीडियो में मैं देखा था दोस्तों, अपने सामने एक मशीन था जिसमें कि देखिए एक छोटा सा मैं गलती ध्यान में मैं देखा तो लास्ट में नुकसान आया था दोस्तों। तो उसको मैं मेरे को बाद में समझ में आया था कि दोस्तों उसका नुकसान होने का मेन रीज़न क्या था, उसके बारे में मैं दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए हम लोग का जो एक्सावेटर मशीन है दोस्तों, एक्सावेटर मशीन में जो हम लोग का ये बैरिंग है दोस्तों, आप लोग ये देख रहे हैं दोस्तों, ये बैरिंग हम लोग का जो बैरिंग है दोस्तों, इसको हम लोग को स्विंग मोटर के थ्रू एक बैरिंग को हम लोग घुमाने का काम करता है दोस्तों, जिससे कि मशीन क्या एक स्विंग का काम करता है, जिससे कि एक तरफ से दूसरे तरफ घुमा के और जो भी हम लोग का स्विंग मोटर के थ्रू हम लोग का काम करता है दोस्तों, जिससे कि मशीन आराम से घुमा के और काम किया जा रहा है दोस्तों। तो हम नुकसान का क्या कारण हो सकता है दोस्तों, सबसे फर्स्ट देखिए हम लोग को उस मशीन में नुकसान क्या हुआ था दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए ये हम लोग का देखिए ग्रीस का ये जो हम लोग का स्विंग मोटर में है दोस्तों, तो इसमें ग्रीस डाला जाता है दोस्तों, इसमें जो ग्रीस डाला जाता है दोस्तों, इसमें बहुत बेहतरीन ग्रीस डाला जाता है दोस्तों। तो उसमें जो ग्रीस है दोस्तों, इसमें 18-20 kg के लमसम ग्रीस डाला जाता है दोस्तों बेहतर, जिसमें कि हम लोग को चेंज करने के बारे में स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों अलग से, कि इसके बारे में सर्विस किस तरह से करें दोस्तों। अभी मैं इसको फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों कि इसका सर्विस का उसका प्रॉब्लम जो लाखों का नुकसान आया था दोस्तों, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। इसका क्या हुआ था दोस्तों, ये जो देखिए ग्रीस का ये देखिए स्विंग मोटर है जो है दोस्तों, ये ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ये जो बोल्ट है दोस्तों, इसमें देखिए कोई कोई मशीन, ये मेरा नई मशीन 205 न्यू मॉडल मशीन है दोस्तों, इसमें क्या पुरान मशीन में क्या होता है दोस्तों, इसका जो प्लेटा होता है दोस्तों ग्रीस चेक करने का, उसमें अंदर होता है दोस्तों। लेकिन अभी जो नया मशीन आ रहा है दोस्तों, इसमें ध्यान से देखिएगा ये 3 बोल्ट होता है दोस्तों। तो उसमें क्या हुआ था कारण कि ये जो बोल्ट है दोस्तों, एक ऑपरेटर ने क्या किया था, उसको खोल के दोस्तों इस बोल्ट को एक खोल के और बाकी दो, तो उसमें भी हम लोग क्या काम कर लेते हैं दोस्तों। बट क्या होता है दोस्तों, इस बोल्ट को अगर हम लोग जब खोल के हम लोग छोड़ देते हैं दोस्तों, तो हम लोग का उसमें क्या, उस मशीन को मैं देखा था दोस्तों, वो मशीन था जो दोस्तों माइंस क्रेशर पे काम चल रहा था दोस्तों, जिसमें कि मैं देखा दोस्तों, इसमें जब क्रेशर पे काम जो भी ऑपरेटर लोग करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कभी कभी मशीन से ऊपर भी वो क्या गिट्टी उट्टी आते रहता है, साथ ही कभी कभी इधर से और जगह से इसमें गिट्टी आते रहता है दोस्तों। तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों, गिट्टी उट्टी स्विंग मोटर में था दोस्तों, और साथ ही ये बोल्ट खुला हुआ था दोस्तों, जिसमें कि वो मैं मशीन देखा दोस्तों, वो क्या किया मशीन को धोया दोस्तों, तो उसमें क्या पानी के प्रेशर से, नॉर्मल नहीं धोया दोस्तों, वो मशीन के प्रेशर से पाइप के थ्रू इसको स्विंग पूरा मशीन को धोया दोस्तों। तो एक खुला रहने के चलते, बोल्ट को खुला रहने के दोस्तों क्या हुआ, वो जो स्विंग मोटर में जो भी एक छोटा छोटा कंकड़ था दोस्तों, जिसमें कि वो क्या बोलते हैं, आपको मालूम होगा क्रेशर पे बहुत हार्ड पत्थर का जो GSB और गिट्टी का काम तोड़ा जाता है दोस्तों, और ये छोटा छोटा कण इसमें आ गया दोस्तों, तो उसमें आया दोस्तों, और जो बैरिंग होता है दोस्तों, तो बैरिंग में जाने के बाद वो क्या होगा, कट कट जब स्विंग करता है दोस्तों, हम लोग का स्विंग होने के बाद वो क्या होता है, जब भी पूरा ग्रीस में वो छोटा छोटा रहता है तो दोस्तों उसको मिस देता है यानी बर्बाद कर देता है दोस्तों। बट उसमें थोड़ा ज़्यादा अगर हार्ड वाला रह गया उसमें पत्थर दोस्तों, तो हमारे बैरिंग पे और साथ ही दोस्तों मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, ये हम लोग को नुकसान लाखों में नहीं, उससे भी ज़्यादा कर देता है दोस्तों, और ज़्यादा लाख से भी, ये 2-4 लाख का ये बैरिंग के साथ ही जो स्विंग मोटर होता है दोस्तों, उसमें जो गेयर आयल होता है दोस्तों, उसका कनेक्टर जोड़ा रहता है इंजीनियर के थ्रू दोस्तों, इसका काम जो स्विंग मोटर और जो काम करता है घुमाने का दोस्तों, तो स्विंग बैरिंग और स्विंग मोटर दोनों काम करता है दोस्तों एक साथ में, जिससे कि उसका आयल में भी प्रॉब्लम और स्विंग मोटर में भी प्रॉब्लम आ गया था दोस्तों, जिसमें कि वो देखा गया कि वो जो भी इंजीनियर आया दोस्तों, मैं ध्यान से देखा दोस्तों, तो उसमें जो कंकड़ था दोस्तों, उसके चलते मतलब वो बैरिंग में आवाज आ रहा था दोस्तों स्विंग करने के बाद, और बाद में उसको इंजीनियर आया दोस्तों, तो उसको मतलब वो अच्छे से खोला देखा तो वैलिड क्या इंश्योरेंस में मशीन था दोस्तों, तो उसको बना दिया गया दोस्तों इंजीनियर को, उसमें देखा दोस्तों ये जो बैरिंग था दोस्तों, उस बैरिंग को भी चेंज किया गया, साथ ही उसका स्विंग मोटर को भी दोस्तों। तो आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों, जितना भी हेल्पर और ऑपरेटर लोग होंगे दोस्तों, तो कभी भी इस जो आप ग्रीस पॉइंट का है जो भी बोल्ट दोस्तों, उसको अच्छी तरह से कभी भी आप टाइट करके देखे रखे दोस्तों। और साथ ही एक चीज़ और भी मैं बताने वाला दोस्तों, इसमें ग्रीस भी देख ले दोस्तों, आप ग्रीस देखते हैं दोस्तों जब भी, तो उसको क्या करें दोस्तों, उंगली में हाथ लीजिएगा दोस्तों, तो उसका
ग्रीस नॉर्मल ग्रीस से बहुत बेहतरीन ग्रीस होता है, जैसे घी एकदम पतला एकदम अच्छा रहता है चिकनापन, उस तरह से उसमें ग्रीस होता है दोस्तों। अगर उसमें आप लोग देखिएगा ग्रीस थोड़ा कम लगेगा दोस्तों, तो बाई चांस उसमें 5-10 kg ग्रीस आप खुद से भी डाल सकते हैं ओनर से बोल के दोस्तों। और यही मैं आप लोग की जानकारी दिया दोस्तों। आप लोग को अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा दोस्तों, तो लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। आप लोग को मैं अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक लिखिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।